आम इंसान विकास पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है। आगामी लोकसभा चुनाव में आम इंसान विकास पार्टी उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष आकेल अहमद ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। उत्तराखंड की जनता का भरोसा आम इंसान विकास पार्टी के साथ है। आम इंसान विकास पार्टी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि पार्टी उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आम इंसान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकेल अहमद ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। असली विपक्ष का काम कांग्रेस नहीं बल्कि आम इंसान विकास पार्टी कर रही है। लोगों का भरोसा भी आम इंसान विकास पार्टी पर बढ़ा है। कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए आकेल अहमद ने कहा कि कांग्रेस हिंदुत्व के रास्ते पर चल रही है। कांग्रेस और भाजपा में कोई अंतर नहीं है। कांग्रेस अपने मुस्लिम नेताओं की फोटो तक नहीं लगाती। सिलेंडर था तो बीजेपी के वो जो है लोग सड़कों पर बैठते थे, आज 1200 रुपए का सिलेंडर है तो कोई भी नहीं बैठ रहा। अब वो एक मैडम थी स्मृति ईरानी, वो रोज बैठती सिलेंडर लेके। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अभी भी मंत्री है, उनसे मैं सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि आज जो महंगाई हो रही सिलेंडर पे, 1200 रुपए का सिलेंडर हो गया, आप क्यों नहीं बैठ रही? वो पहले रोज बैठ जाती थी। जो है मोदी जी ने कहा 2022 तक कोई भी देश का व्यक्ति गरीब ऐसा नहीं बचेगा, इसको हम छत देने का काम नहीं करेंगे। कहा कि इसको छत दी, काला धन वापिस लाएंगे, 15-15 लाख रुपए भी अकाउंट में आ जाएंगे। हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे। युवाओं को जो है बेरोजगार जो आज युवा घूम रहे हैं उनको 2 साल हर साल जो है 2 करोड़ लोगों को नौकरी, कहाँ नहीं नौकरी हो। तो ये सब चीज़ें हैं, वो मुद्दा जो है हमारे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है और हम जनता के बीच में वही चीज़ बोलेंगे जो इन लोगों ने बोला, जो इनके वादे हैं इन्होंने कहाँ पूरे करे वादे, बने कोई वादा पूरा नहीं किया। जो है तो हमारी आम इंसान विकास पार्टी जो वादा करेगी ईमानदारी के साथ उसको पूरा करने का काम करेगी, नहीं तो हम वादा करेंगे नहीं लोगों से। प्रदेश अध्यक्ष राजू सिंह बिराटिया ने कहा कि आम इंसान विकास पार्टी भाजपा को सबक सिखाएगी। हमारे कार्यकर्ता धरातल पर काम कर रहे हैं, हम जनता के हित के मुद्दे उठा रहे हैं। देश के कुछ लोग अभी भी जो है कांग्रेस बसपा छोड़कर के आज सरकार ग्रहण करी है। एक आम इंसान विकास पार्टी एक गरीबों का, किसानों का, मजबूर लोगों का एक ऐसा पहिया बनकर के बीच में आया है, इनको पसीने देने का काम करेगा और बीजेपी को सबक सिखाने का काम करेगा। हमारे जो माननीय अध्यक्ष जी हैं वो चुनाव में आ रहे हैं और मैं तो इंशाल्लाह जो है ये दुआ करूंगा कि हम यहाँ से इनको भारी मतों से जिता करके भेजें और पार्टी बड़े मजबूती के साथ चुनाव भी लड़ेगी, 5 सीटों बन गए और हमारी पार्टी ना तो बिकने वाली है और ना ही हमारे कोई भयभीत कर सकता। बहुत लोग जो है भयभीत करेंगे कि भाई आप जो है कांग्रेस को हरा रहे हैं, हम उसको, हम तो सबको हराने के लिए तैयार बैठे हैं और हम जीतने के लिए बैठे हैं। इस मौके पर आम इंसान विकास पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अब्दुल अजीज ने कहा कि आज लोगों को नफरत में बांटा जा रहा है, हम पैगंबर मोहम्मद साहब के बताए रास्ते पर चलकर मोहब्बत फैलाएंगे। तो ये पार्टी जो हमारे मुल्क में इन तमाम सियासी पार्टियों ने इंसानियत के ये दुश्मन, इन्होंने एक दूसरे के अंदर इतनी दूरियां पैदा कर दी कि कोई एक दूसरे के अंदर प्यार मोहब्बत बाकी नहीं रह गया। तो आम इंसान विकास पार्टी कोई दुनिया का घर, कोई दुनिया का परिवार, कोई दुनिया का प्रदेश, कोई दुनिया का मुल्क बगैर प्यार मोहब्बत के तरक्की कर ही नहीं सकता, विकास कर ही नहीं सकता। तो आम इंसान विकास पार्टी इन दूरियों को इन नज़दीकी में बदलने का काम करेगी और वो प्यार देने का काम करेगी। हर एक मुसलमान को कहेगी कि 5 हिंदुओं के साथ ईमानदारी और सच्चाई से प्रॉफिट मोहम्मद की जो तरीका था, जो सिस्टम था, उसकी बुनियाद पर आप मोहब्बत पेश करने का काम करें और तय करें कि हम जिंदगी भर अपने किसी हिंदू के साथ, भाई के साथ झूठ नहीं बोलेंगे। हम उसके साथ अच्छा व्यवहार, अच्छा अखलाक पेश करेंगे और ईमानदारी तरीके से जिंदगी उसको बताएंगे कैसे चलता है। और फिर है रन की तैयारी, कौन है किस पर भारी, हर तरफ बेरोजगारी, किसकी है ये जिम्मेदारी, हम दिखाएंगे सिर्फ सच हर रोज दखल न्यूज पर। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।